हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना, ये चैप्टर नंबर 2 का है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? एनी सरफेस दैट हैज द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल। अब यहां समझते हैं, कोई भी सरफेस है, जैसे ये पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू है, तो यहां पे पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है? के क्यू बाय आर। यदि पॉइंट चार्ज है यहां पे, तो डिस्टेंस के साथ क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा ना। इस पॉइंट पे जितना पोटेंशियल होगा, उस पॉइंट पे इतना नहीं होगा। ठीक है ना, जितना नजदीक होगा, ठीक है ना, उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? स्ट्रांग होगा। यहां ऐसे कह सकते हैं, ये जो पॉइंट है, जो ये डायरेक्टली चार्ज क्या है? कॉन्स्टेंट है ना। ये चार्ज प्लस क्यू जो लिए, ये कॉन्स्टेंट है। तो ये कंसीडर किए, जो ये वी, ये 1 मीटर है, आर 1 मीटर यहां तक आ रहा है। तो 1 मीटर पे यहां हर एक पॉइंट पे क्या होगा? इस पॉइंट पे सेम ना, क्योंकि वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। वी इनवर्सली क्या है? आर के प्रोपोर्शनल है, आर पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन इस पॉइंट, ये प्लस क्यू चार्ज से, ये आर तो सेम है ना, आर तो सेम है, ठीक है ना। तो यहां कंसीडर किए, जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है, ठीक है ना, और आर को और इंक्रीज करें, आर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? पोटेंशियल डिक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वी आर के। तो यहां क्या कह सकते हैं? इस पॉइंट पे जो आर तो इंक्रीज हुआ ना इस पॉइंट पे, तो यहां पे 10 वोल्ट है, तो इससे कुछ कम होगा। कंसिडर कर लीजिए 7 वोल्ट है। तो ये जो सरफेस है, ये पूरा सरफेस, ये जो सरफेस दिख रहा है, ये इस पॉइंट पे सारे पे क्या होगा? सेम पोटेंशियल ना। तो ये जो सरफेसेस है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस को क्या कहेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो? सेम हो, ठीक है ना। जैसे ये भी सरफेस, ये वाला, इसके लिए क्या होगा? 7 वोल्ट के लिए क्या होगा? ये सेम पोटेंशियल, इसके लिए ये होगा सेम पोटेंशियल, ठीक है ना। तो याद रखना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है? जहां पे पोटेंशियल की, जिस सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। अब है कुछ प्रॉपर्टीज है इसके, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। 3 प्रॉपर्टी है यहां पे, 3 प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी क्या कहता है? नो वर्क इज डन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हम यदि टेस्ट चार्ज को मूव कराएंगे, तो वर्क डन नहीं होगा। ऐसा भी हम कह सकते हैं, वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। देखो एग्जांपल से समझते हैं, ये वाला जो सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये कंडक्टर ले लिए, कंडक्टर पे पूरा चार्ज कहाँ आ जाता है? सरफेस पे आ जाता है, ठीक है ना। तो ये वाला सरफेस जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो पॉइंट ये यहां पे ए लिए और ये बी लिए। प्रॉपर्टी क्या कहता है? यदि हम टेस्ट चार्ज यहां पे रख रहे हैं और टेस्ट चार्ज को ए से बी तक मूव करवाए, ठीक है ना, तो मूव करवाए, अब ये बताओ यहां से यहां तक लाए बी पॉइंट तक, तो प्रॉपर्टी ये कहता है जो वर्क डन नहीं होगा। कैसे? तो देखते हैं, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ऐसे होगा ना सरफेस के, ई, ठीक है ना। अब देखो वर्क डन क्या होता है? क्यू नॉट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस वी वी ए। यहां इस ए पॉइंट, जो पॉइंट ए है, इस पे पोटेंशियल ये वी ए, अब बी पॉइंट है, उस पे पोटेंशियल वी वी। ये क्या है सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस मींस वी ए इज इक्वल टू वी वी, हो गया ना।
सेम पोटेंशियल होगा ना पूरे सरफेस पे, अभी अभी बताया इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो ए पे भी सेम होगा और बी पे भी सेम होगा, यहां लेते तो यहां पे भी क्या होगा सेम होगा, तो वी ए इज इक्वल टू वी भी लिख सकते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू नॉट वी 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 ए मीन्स हायर माइनस लोअर, तो कहां से मूव करा रहे हैं ए से बी तक, तो क्या होगा हायर बी, तो वी वी माइनस वी ए, देन यू कैन राइट डाउन क्यू नॉट वी वी इज इक्वल टू वी ए, तो वी ए माइनस वी ए, ये टर्म क्या हो जाएगा पूरा बताओ जीरो ना, तो इसको लिख सकते हैं वर्क डन क्या आ रहा है जीरो, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी याद रखना, नो वर्क इज डन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, वर्क डन नहीं होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट, क्या बोल रहा है, यदि ये वाला प्लस क्यू चार्ज है और ये इसका क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ये, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताया है नॉर्मल होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के। अब देख लेते हैं, देखो यहां कोई भी चार्ज है इस पॉइंट से यहां तक मूव करा है, यहां तक ए से बी तक, बी तक मूव करा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एस हुआ, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स जो का जो डायरेक्शन होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, वही फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है, तो वर्क डन हम लोग लिख सकते हैं, अभी नहीं कंसीडर किए, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कंसीडर कर लिए, ये जो बन रहा है ये एंगल, ये थीटा एंगल बन रहा है, तो वर्क डन क्या होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब देखो ए से बी ये वाला सरफेस क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस, मींस यहां पे जो पोटेंशियल वी ए और वी वी दोनों का पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे वी ए इज इक्वल टू वी वी। अब इसके अकॉर्डिंग वर्क डन हम क्या लिख सकते हैं क्यू नॉट, कितना चार्ज को मूव कर रहा है क्यू नॉट को, तो वी वी ए लिख सकते हैं ना वर्क डन, इन दोनों वर्क डन को इक्वेट करो, तो ये इक्वेशन फर्स्ट ले लो और इक्वेशन सेकेंड, तो लिख सकते हैं ऐसे एफ डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू नॉट वी बी ए, लिख सकते हैं ना। अब वी वी ए को क्या लिख सकते हैं हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो ऐसे लिख सकते हैं एफ डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू नॉट हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ये लिख सकते हैं ना। अब वी वी इज इक्वल टू वी ए, देन एफ डी एस कॉस थीटा क्यू नॉट ये वी वी माइनस वी वी दोनों इक्वल है, तो ये लिख सकते हैं ऐसे, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा पूरा जीरो ना, जीरो होगा ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो, तो ऐसे लिख सकते हैं एफ डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, एफ डी एस कॉस थीटा जीरो लिख सकते हैं ना। अब बताओ ये इसका डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होगा, जब थीटा क्या होगा 90 डिग्री ना, डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होगा जब थीटा इज इक्वल टू मैंने बोला थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री होगा इसका मतलब क्या है इस सरफेस के क्या है परपेंडिकुलर है ना, तो ये पॉइंट प्रूफ हो गया कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट, मतलब इस सरफेस के क्या होगा थीटा 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब क्या है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होगा नॉर्मल होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट इच अदर, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या नहीं कर सकता है
इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि देखो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और दूसरा ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले सरफेस से, ये सरफेस वन है और ये सरफेस टू है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस वन का ई वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेते हैं सरफेस कैसे ड्रॉ कर, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, टेंजेंट क्या देता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, डायरेक्शन देता है। और सेकेंड का देखो ये ऐसा टेंजेंट, ठीक है ना। अब देखो दो एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है ना, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या नहीं पॉसिबल है ना, क्योंकि सेम पॉइंट पे दो डायरेक्शन दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसलिए क्या बताया, जो नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट इच अदर, क्योंकि यदि इंटरसेक्ट कर रहा है तो दो डायरेक्शन देगा, इसलिए इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। ऐसे भी कह सकते हैं, देखो ना ये प्लस क्यू चार्ज है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल, ये 10 वोल्ट है और ये 6 वोल्ट है, तो क्या ये सरफेस और ये सरफेस इंटरसेक्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है ना, इसलिए हम कह सकते हैं नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट इच अदर, ठीक है ना। ये था प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब नेक्स्ट जो है, इसमें जो डिफरेंट चार्ज है उसका कैसे हम ड्रॉ करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस हैं, टू इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं, तब हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। अभी डिस्कस किए थे इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, अब डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम, ठीक है ना। तो फर्स्ट है, ड्रॉ करना है अपने को इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, पॉइंट चार्ज, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल बताया था ना, के क्यू बाई क्या होता है, आर, के क्यू बाई आर, एंड चार्ज कांस्टेंट है ना, प्लस क्यू रख रहे हैं यहाँ पे, ये प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है, तो वी क्या होगा, इन्वर्सली आर के, तो आर इंक्रीज होगा तो वी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस पॉइंट के लिए आर यदि फिक्स कर दे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तो 1 मीटर के लिए अभी बताया था क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा ना, तो ये 1 मीटर के लिए, ठीक है ना, तो ये इस सारे पॉइंट पे क्या होगा, इक्विपोटेंशियल ना, सारे पॉइंट पे क्या होगा, सेम पोटेंशियल। नेक्स्ट है, डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज। नेक्स्ट फिर डिस्टेंस इंक्रीज किए तो क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कैसे फ्लो होता है, प्रीवियस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े हैं, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, तो ये हाइयर यहाँ पे कितना होगा, कुछ मान लो 10 वोल्ट है, तो यहाँ कितना होगा, कम होगा ना इससे, 8 वोल्ट, यहाँ कितना होगा, 6 वोल्ट, तो ये इनफाइनाइट पे जाके क्या हो जाएंगे, जीरो, इनफाइनाइट देंगे तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो ना। तो फील्ड लाइन का डायरेक्शन हम ऐसे दे सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है ना, और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लो फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर, तो हाइयर से लोअर की तरफ जा रहा है कि नहीं, ठीक है ना। इस वाले सरफेस, ये वाला पूरा सरफेस क्या होगा, इक्विपोटेंशियल, ये वाला पूरा सरफेस क्या होगा, इक्विपोटेंशियल, थर्ड वाला ये भी क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। और नेगेटिव के लिए कैसे होगा, यदि नेगेटिव पॉइंट चार्ज है माइनस क्यू, तो फिर क्या होगा, सेम ना, वैल्यू सिर्फ यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू, तो ये सरफेस सेम ही होगा, ठीक है, सरफेस तो सेम होगा लेकिन फील्ड लाइन जो होगा इसके अपोजिट होगा, फील्ड लाइन की डायरेक्शन जो होगा ये ऐसे होगा, इस नेगेटिव चार्ज के लिए ये वाला हाइयर होगा,
ये उससे लोअर होगा, ये हायर पोटेंशियल होगा, ये इन दोनों को कंपेयर करें, ये हो गया फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड, तो थर्ड जो होगा वो क्या होगा, हायर पोटेंशियल, थर्ड का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद सेकंड का, उसके बाद फर्स्ट का, क्योंकि बताया ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फ्लो किधर से होता है, हायर से लोअर, तो देखो किधर से आ रहा है, ये इनफाइनाइट से, ठीक है ना, तो इनफाइनाइट पे इसका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये तो था जब हम लोग क्या ले रहे हैं, दोनों पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव पॉइंट था एज ए नेगेटिव, ठीक है ना। अब यदि सेकंड जो सेकंड है, सेकंड जो ले रहे हैं दोनों का इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ले रहे हैं, ये चार्ज माइनस प्लस और ये माइनस, तब कैसे होगा, ठीक है ना। तो ये देखो इसका क्या होगा, इधर से यदि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, अब देखो यहां यहां प्लस चार्ज है तो प्लस पे क्या होगा, हायर ना, तो प्लस से फील्ड लाइन क्या होगा, प्लस चार्ज से निकल रहा है कि नहीं, फील्ड इनकमिंग कहाँ हो रहा है, आउटगोइंग, यहां से आउटगोइंग फील्ड है और यहां क्या है, इनकमिंग फील्ड है, तो यहां से निकल रहा है क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है, और इधर क्या होगा, नेगेटिव के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट से आ रहा है ये या प्लस से आ रहा है, तो नेगेटिव टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के लिए ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। नेक्स्ट है यदि सेम चार्ज है, यदि थर्ड जो प्रॉपर्टी है, यदि दोनों सेम चार्ज ले रहे हैं तब क्या होगा, ये प्लस और ये भी प्लस, दोनों तो ये दोनों तो हायर होगा ना, दोनों पॉइंट चार्ज तो क्या होगा, हायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा इसका, ठीक है। तो दोनों देखो ना, दोनों में क्या हो रहा है, दोनों से निकल ही रहा है ना फील्ड लाइन, हायर तो दोनों है ना, तो इसलिए किधर है, आउटवर्ड डायरेक्शन है इधर, ठीक है। नेक्स्ट है यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म देन इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा बताओ, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्थ है ये, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्लेनर होगा, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना, ये प्लेन ऐसे बनाएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लेनर सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ऐसे निकल रहा है, ठीक है ना, और इधर हायर पोटेंशियल किधर होगा, इस साइड होगा। तो कितने वेरियस चार्ज सिस्टम के लिए, पहला क्या बताया था, इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज, सेकंड के लिए टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, एंड थर्ड क्या था, टू इक्वल पॉइंट चार्जेस, एंड फोर्थ इज ए व्हेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब हो तब कैसा होगा इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये कंप्लीट हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, उसके बाद कैपेसिटर स्टार्ट होगा।